पर फिर पाकिस्तान ने अपना असली चेहरा दुनिया को दिखा दिया है। नापाक साजिशें रचने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन इस बार उसने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पर अपनी भड़ास निकाली है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र में पाक की तरफ से पैरवी कर रहे काउंसिलर टीपू उस्मान ने भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले डोभाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, भारत को क्षेत्रीय ताकत बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आक्रामक रक्षा और दो तरफा दबाव की रणनीति कभी कामयाब नहीं होगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत ने प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी के कश्मीर पर दिए गए बयान की निंदा की है, जो घाटी के उत्पीड़न और पीड़ित लोगों की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र में पाक की बौखलाहट साफ बयां कर रही है कि अजीत डोभाल के आगे पाकिस्तान की नापाक चालें फेल हो चुकी हैं। ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि आतंकवाद को लेकर चौतरफा गिरा पाकिस्तान अब बचने के लिए झूठे दावों के पुलिंदे बुन रहा है। इस स्टोरी को लेकर आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।